जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार कंप्यूटर टेक संजय में। आज हम जानेंगे कंप्यूटर का बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि पार्ट टू वीडियो पार्ट वन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, जो कि पार्ट वन में हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपके प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। अब हम जानेंगे पार्ट टू में क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि पार्ट टू का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कहता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में किसका उपयोग किया गया था, अर्थात जो हमारा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर बनाया गया था उस पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा चिप या कौन सा चीज का प्रयोग किया गया था। तो देखिए जिसका राइट आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था जिसके द्वारा हमारा कंप्यूटर चलाया जाता था, वैक्यूम ट्यूब के द्वारा उसको बनाया गया था। तो ये भी पूछ सकता है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था, तो प्रथम पीढ़ी में हुआ था, या प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर में बनाने में किसका उपयोग किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, अर्थात जो हमारा एक बाइट होता है उसमें कितने बिट होते हैं, जिसका राइट आंसर होगा 8 बिट। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका हर प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, चाहे कोई भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन हो या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, बैंकिंग रेलवे एसएससी का हो या किसी भी क्वेश्चन का क्वेश्चन हो, उसमें जरूर एक क्वेश्चन पूछ देता है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। बहुत से मार्के आ जाते हैं 12 बिट, लेकिन वो बिट होता है कितना, 8 बिट। तो याद कर लीजिएगा एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 4 बिट कितने निबल के बराबर होते हैं, अर्थात जो 4 बिट होते हैं वो कितने निबल के बराबर होते हैं, 2 निबल के, 3 निबल के, 1 निबल, जिसका राइट आंसर होगा 1 निबल के बराबर होते हैं। जो हमारे 4 बिट होते हैं वो 1 निबल के ही बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, HTTP को किसका बैकबोन कहा जाता है, बैकबोन मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, अर्थात इसके द्वारा ये टिका हुआ है, तो HTTP को किसका बैकबोन कहा जाता है, तो WWW का, WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसको HTTP का बैकबोन कहा जाता है। क्योंकि जो है बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, तो इसका बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी मतलब ये इसके द्वारा टिका हुआ है, इसके द्वारा बहुत स्ट्रांग है, इसके द्वारा ही रह सकता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका हर एक, जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपका हर एक प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि कॉम्पैक्ट डिस्क और अन्य किस नाम से जाना जाता है, जो हमारा CD है उस CD कॉम्पैक्ट डिस्क उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको और हम किस नाम से जानते हैं, ऑप्टिकल डिस्क के भी नाम से जानते हैं, CD को हम ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जानते हैं। ये भी पूछ सकता है कि ऑप्टिकल डिस्क को किसके नाम से जानते हैं, तो कॉम्पैक्ट डिस्क को किस नाम से जानते हैं, तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। ये आपके क्वेश्चन को ऐसे घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है क्या कहलाता है, था कौन सा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन में बदल देता है, जिसका राइट आंसर होगा कंपाइलर। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि किसी भी उच्च भाषा को मशीन के भाषा में बदल देता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वही क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले टाइम में पूछे जाने क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है, अर्थात जो भी हम इंटरनेट पर संदेश या मेल भेजते हैं उसे क्या कहते हैं, किसी के पास भी हम इंटरनेट पे मतलब इंटरनेट के द्वारा हम क्या बोलते हैं, संदेश भेजते हैं, कुछ लिख के भेजते हैं, उसे संदेश या मेल कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है इंटरनेट के रूप में, तो उसे हम क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं। जो भी हम किसी के पास मैसेज करते हैं वो हम संदेश या मेल के रूप में उसे ईमेल कर देते हैं, क्या उसमें अपने सूचनाएं लिखते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है या कुछ भी बारे में बात करने के लिए उसे हम भेजते हैं, उसे ईमेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि किसी भी बैंक में, अर्थात कोई भी बैंक हो, तो उसमें चेक को पढ़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, कि चेक कैसे आया जाता है, चेक में इसमें फ्रॉड चल रहा है इसलिए बैंक में चेक को जाँच किया जाता है, पढ़ा जाता है, उसको पढ़ने के लिए कौन सा मशीन या यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए होता है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जिसके द्वारा पढ़ के बताया जा सकता है कि ये चेक जो है वो मशीन होता है जो कि उसका स्कैन कर लेता है और पढ़ के बता सकता है कि ये चेक है वो स्कैनर है या फॉरवर्ड है
या स्कैम है। इसी के लिए हम MICR का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा जो भी नकली चेक होते हैं उसकी जांच को पकड़ लिया जाता है, जांच करके पकड़ लिया जाता है। तो ये आपके याद रखिएगा, किसी भी बैंक में चेक को पढ़ने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है पार्ट टू का, कि कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है, अर्थात जो कि कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड जिस पे कंप्यूटर टिका हुआ है, सभी पार्ट उसके टिके हुए हैं, सभी पोर्ट टिके हुए हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको मदरबोर्ड कहा जाता है। अर्थात कंप्यूटर के जितने भी मुख्य सिस्टम बोर्ड हैं उसे क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पर ही सारा कंप्यूटर का पोर्ट टिका हुआ है, इसलिए इसे मदरबोर्ड कहते हैं। तो ये आपका पार्ट टू का 26 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता हुआ। पार्ट वन में मैंने 1 से 11 बताया था, पार्ट टू में आपके 11 से 20 बताया, तो वही क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। SSC हो गया, चाहे CGL हो गया, MTS हो गया, कोई भी एग्जाम हुआ उसमें पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि आने वाले टाइम में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न, सभी इंपोर्टेंट प्रश्न है। यदि आप पहली बार BEd किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर बजाएं, PDF लेने के लिए टेलीग्राम से ग्रुप से जरूर जाए, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन होता हो हमें कमेंट जरूर करें। अब हम मिलते हैं आपसे पार्ट 3 वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।